हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजू और रंजू किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वेज मोमो की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, सॉल्ट आधी छोटी चम्मच, कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी ग्रेटेड किया हुआ 100 ग्राम, ग्रीन चिली 2, उनकी कलियां 4, गाजर ग्रेट किया हुआ उनकी कलियां 4, ऑनियन चाहिए, प्याज हमें चाहिए 1/2 कप, नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर छोटी चम्मच, आधा छोटी चम्मच, और सोया सॉस 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम मैदा में थोड़ा सा नमक और तेल डाल देंगे। तेल और नमक को मैदा में मिक्स कर लेंगे। अब मैंने अच्छे से रब कर लिया, करके मिक्स कर लिया है, और अब मैंने पानी लिया है और पानी थोड़ा थोड़ा डालकर डो बना लेंगे। डो जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना करें, थोड़ा सा हार्ड करें। तो हमारा डो तैयार है, ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अब इस डो को 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। गैस पर एक पैन रखेंगे। पैन को गर्म होने के बाद 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। तेल डालने के बाद उसमें लहसुन और हरी मिर्च डालें। गैस का फ्लेम मीडियम में रखें। लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा पका लें। अब इसमें प्याज डालेंगे और 20 से 30 सेकेंड सिर्फ सौटे कर लेंगे। अब इसमें गाजर और पत्ता गोभी डाल देंगे और मिला दें। इसे और 1/2 मिनट तक पकाएंगे। इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इनका कच्चापन निकल जाए तब तक पकाना है। लास्ट में इसमें धनिया पत्ता डाल दें और गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। इसे एक अलग बर्तन में निकाल लें। यह स्टफिंग तैयार है। यहाँ मैंने इडली मेकर में 1 लीटर पानी उबलने के लिए रखा है। आप चाहे तो स्टीमर, या ये डो है, ये फिलिंग जो हमने ठंडा कर लिया है, थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे डस्टिंग के लिए। यहाँ मैंने पानी लिया है मोमो को सील करने के लिए। इस डो को वापस से एक बार गूंद लेंगे, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे और इसे चपटा कर लेंगे। अब थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर इसे पूरी की शेप में गोल कर लेंगे। ध्यान रखिए कि ये ज़्यादा मोटा ना हो, वरना मोमो का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट रखें। अब स्टफिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी से इसके किनारों को सील करेंगे, एक पर एक रख के फोल्ड करेंगे और किनारों को बंद कर देंगे। अब जो हमारे इडली के स्टैंड है उसमें तेल लगा लेंगे। और एक एक मोमो को प्लेस करेंगे। मैंने सारे मोमोज को प्लेस कर दिया है। अब इसको स्टीम कर लेंगे। करीब 20 मिनट हमें पकाना है, लेकिन आप एक बार 15 मिनट में चेक कर लें। ये स्टीम होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। जैसे मैदा है तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो समझ जाइए कि ये पक गया है। तो 20 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। और इसे प्लेट में निकाल देंगे। तो हमारे मज़ेदार मोमो तैयार हैं। आप इसे स्पाइसी सेजवान की चटनी के साथ सर्व करें।